कोई भी तरह का अगर आपको फोटो क्लियरेंस करनी है, क्योंकि फोटो फोटोशॉप कर रहे हैं हम, तो नेचुरली फोटो एडिट का काम पहले होता है इसमें, बाद में डिजाइन वर्क वगैरह सारा कुछ होता है इसमें। मेन तो है कि अगर आपका टूल्स पे हाथ अच्छी तरह बैठ गया, क्योंकि टूल में कौन कौन से टूल सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है क्विक सिलेक्शन हो गया, ये लसियो टूल हो गया, जिनसे मैक्सिमम काम इसी से हो। बाकी छोटी छोटी कमांड्स है वो मैं आपको साथ के साथ क्लियर कर ही दूंगा इसमें। अब जैसे ये फोटोग्राफ है, मैं इसकी कॉपी लगाऊंगा, 3 कॉपीज लगाऊंगा कंट्रोल जे करके। हमने इसकी 3 कॉपीज लगाई कंट्रोल जे करके। अब मैं इसको ब्लेंडिंग मोड है जो इसका, इसका मैं चेंज कर रहा हूँ विविड लाइट में, इस टाइप से हो जाएगा ये। इसके बाद मैं इसको नेगेटिव में चेंज करूंगा। नेगेटिव में कैसे चेंज होगा, इन्वर्ट होते हैं उसको, एडजस्टमेंट में जाके कंट्रोल आई शॉर्टकट की होता, कंट्रोल आई जब हम करेंगे तो वो इस तरीके से दिखेगा। जब क्योंकि इसका स्टेप बाय स्टेप आप नोट कर लेना चाहे तो, कंट्रोल आई करने के बाद इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद हमने फिल्टर में जाना, अदर हाई पास एक कमांड हमने यूज कर लिए। अदर हाई पास जब हम यूज करते हैं तो इस तरीके का हमें दिखना शुरू हो जाएगा। इसके छोटा करके देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें ये रेड शेड्स आ रहे हैं कुछ, इसको हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, तो थोड़ा सा कम किया। और ये जो रिंकल्स है ये हम बाद में भी ठीक करेंगे, पहले हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पे ओके करेंगे, जब ओके करने के बाद एक कमांड हमारी यहाँ पे अप्लाई होगी, और इसको हम फिर कलर मास्किंग करेंगे, ऐड लेयर मास्क। ऐड लेयर मास्क जब हम करते हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट व्हाइट बोर्ड आता है, व्हाइट बोर्ड की जगह हम कंट्रोल आई, इसमें भी कंट्रोल आई चलता है, जैसे मैंने ये वाला कमांड बताया था ना, यहाँ पे भी जब ऐड लेयर मास्क में हम आ जाएंगे तो कंट्रोल आई प्रेस करना है हमें। कंट्रोल आई से क्या हुआ कि ये भी नेगेटिव जो लेयर मास्क है ये भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, और ये एडिटेबल फॉर्मेट है, मतलब अब मैं इसमें चेंजेस करूंगा तो यहाँ पे नजर आएगी। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रश टूल का यूज कर रहा हूँ, और ये इसी पे चलेगा, और यहाँ पे इसका ब्रश साइज पे छोटा कर देता हूँ। एक एक मिनट, 1 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने इसका ब्रश साइज जो है छोटा कर दिया, और इसको हम यहाँ पे चलाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा, यहाँ पे भी कुछ भी शो नहीं हो रहा, इसलिए हम ये जो बैकग्राउंड है ब्लैक कलर की, इसको व्हाइट कर। अब ये यहाँ पे जब हम चलाएंगे सब, ये वाला लेयर सेलेक्ट नहीं करती है, यहाँ पे क्लिक करना है आपने, इसको चेंज करना है व्हाइट में, फिर आपने ब्रश टूल के साथ करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे कि ये यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर जूम करके देखो इसमें जो पहले हम इसकी स्मूथनेस कर लेंगे स्किन, फिर इसमें जो हमें छोटी छोटी जो दिक्कत है वो बाद में दूर हो जाएगी। और ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम इसपे नेगेटिव वाला जो हमने हाइट एड लेयर मास्क किया था उसके ऊपर चला, और पीछे से स्मूथनेस इसकी इसलिए दिख रही है क्योंकि हमने हाई पास में ये कमांड अप्लाई की थी।
ये इस तरीके से हम इसको थोड़ा बारीकी से चलाएंगे। और बाकी की जगह पे भी जहाँ पे प्रिंटर्स वगैरह भी लिखा है। और आप देखोगे हम बहुत ज्यादा इसको नहीं चला रहे, सिर्फ जहाँ जहाँ हमें जरूरत लग रही है सिर्फ फिंगर्स में, तो हम उसी साइड पे ही मूव कर। और नेविगेट कर रहा हूँ मैं पेज के ऊपर, स्पेस बार, स्पेस बार कीबोर्ड का बटन है उससे नेविगेट कर रहा हूँ। ये इतनी ज्यादा खराब फोटोग्राफ इसीलिए ली ताकि, क्योंकि तो जनरली हमारे पास फोटोग्राफ इतनी ज्यादा बेकार नहीं आती, तो अगर कोई कहीं ज्यादा हमें करना नहीं पड़ता तो हमें तरीका पता हो कि ये किस तरीके से किया गया था, तो आपका नॉर्मल फोटोग्राफ में तो आसानी से अप्लाई होगा। यहाँ पे जब ये हो जाएगा पूरा थोड़ा सा, जब ये अप्लाई हो जाएगा आपका, इसको हम फिक्स कर देंगे अप्लाई लेयर मास्क करके, और ये दोनों दोनों को, ये वाला और इस वाले को हम मर्ज करते हैं। शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट किया दोनों को और हमने इसको यहाँ पे मर्ज लेयर कर, मर्ज लेयर जब हम कर दिया तो ये फिक्स हो गया ये वाला इफेक्ट। तो इसको ये रिंकल्स वगैरह जैसे हमारे ये बच्चे हुए तो इसको कैसे ठीक करना है, यहाँ पे हमारे पास एक और कमांड है पैच का, या हीलिंग कोई भी यूज कर सकते हो आप। तो पैच कमांड क्या करता है कि जहाँ पे भी आप सिलेक्ट करोगे ये नीचे वाला एरिया ऊपर की तरफ मूव कर सकते हो, और बड़े ध्यान से चलाना है इसको भी ताकि फोटोग्राफ कहीं से भी ऑड ना लगे। जहां जहां ज्यादा निशान दिख रहे थे वो चीज हम इसमें अप्लाई कर, यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है। अब है कि फोटोग्राफ तो काफी हद तक क्लीन हो गई है पर स्मूथनेस अभी भी नहीं है, क्योंकि तो इसमें छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये हाई पास के कारण आए थे कि जब हमने हाई पास अप्लाई किया था, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी दो तीन तरीके हैं। या तो हम सेम प्रोसेस को दोबारा अप्लाई करें जो पहले किया था, जैसे कि क्या किया था पहले हमने, पहले हमने किया था इसका डुप्लीकेट, जो पहले वाला प्रोसेस था वो दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने इसको किया था यहाँ पे इन्वर्ट, इन्वर्ट करने से पहले हमने क्या किया था इसको विविड लाइट यहाँ पे किया था, और फिर हम इसको यहाँ पे हाई पास किया था। यहाँ हाई पास में क्या है कि थोड़ी और स्मूथनेस आ जाएगी इसमें, मतलब सेम प्रोसेस में दोबारा रिपीट कर। इन दोनों को कंट्रोल आई और ये वाला एरिया में व्हाइट देना है, ये ग्रे नहीं होना चाहिए, ये व्हाइट नहीं होना चाहिए। तो जो भी आपकी थोड़ी मोटी दिक्कत होगी वो इससे चली जाएगी और फेस में भी फिनिशिंग आ जाएगी आपकी।
यहाँ पे फिर इसके अप्लाई कर देंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे। ये हमारी फाइनल इमेज है। इसमें भी अगर थोड़ा सा और करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जस्ट लसु टूल से सिलेक्ट करो, लसु टूल से सिलेक्शन की, क्योंकि फोटोग्राफ काफी हद तक खराब थी तो इसलिए हमें ये कुछ स्टेप्स हमें बार बार करने पड़ रहे हैं, नहीं तो एक या दो स्टेप से आपका काम चल जाता। और हमें सिर्फ इसके स्किन स्किन वाला एरिया पसंद है। ये सब हमने यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसको फेदर करना है। फेदर का मतलब है शिफ्ट F6, शिफ्ट और कीबोर्ड के ऊपर F6 का बटन है, फेदर कमांड की, फेदर सिलेक्शन बोलते हैं इसको। इसको हम करेंगे यहाँ पे 15 कर देते हैं मैक्सिमम, 15 करेंगे तो ये राउंड हो जाएंगे, पहले पहले कोने से निकले हुए थे जो इसके वो खत्म हो जाएंगे, ये राउंड हो जाएंगे। यहाँ पे हमने हल्का सा डिजाइन ब्लर, बहुत हल्का सा, क्योंकि मैक्सिमम तो हमारी स्किन स्मूथ हो चुकी है, पर हमने इसको जो थोड़े से डिटेलिंग रहेगी थी वो इससे कमी पूरी हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते करेंगे इसको कंट्रोल डी सिलेक्शन हटाने के लिए, इस तरीके तो इनको मैंने हाइड इसलिए कर दिया कि इनकी जरूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा ग्लोइंग इफेक्ट देने के, और इनके लिप्स में अभी मैंने कोई काम नहीं किया, मैं चाहता हूँ कि हल्के से डार्क कर दूँ अगर, तो कैसे करेंगे वो भी जस्ट हम इसको सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे पेन टूल है हमारे पास सिलेक्शन के लिए, लसु टूल से भी सिलेक्ट कर सकते थे हम, मैं पेन टूल का यूज करता हूँ। ये पेन टूल से सिलेक्शन की, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिल पाथ बोल रहा है ये, और नई नई न्यू लेयर ले देंगे इसके लिए ब्लैंक, यहाँ पे फिल पाथ कर दिया। फिल पाथ में व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर तो पहले मैं चेंज कर देती हूँ। अब मैं इसमें जाके फिल पाथ करूंगा, पहले तो मेक सिलेक्शन, ये जो आउटलाइन है ये सिलेक्शन में कन्वर्ट होगी, फिलिंग पार्ट करूंगा, शिफ्ट F5 कर सकती है, फोरग्राउंड कलर, कंटेंट अवेयर नहीं रखते, फोरग्राउंड रखते, ये इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे हम कैसे अप्लाई करेंगे इसको, सॉफ्ट कंट्रोल डी सिलेक्शन के बाद आते हैं तो ये ऐसा दिखेगा, अभी बहुत ज्यादा डार्क दिख रहा है और हॉट दिख रहा है, तो इसके लिए हम इसको 50% ओपेसिटी कम कर सकते हैं। और इसको मैं हल्का सा डिजाइन कर भी कर सकता हूँ, पहले यहाँ देखते कैसे आ रहा है। इसे क्या है कि ये आउट नहीं लगेगा और एजेस इसके नहीं दिखाई देंगी जो पेन टूल को क्रिएट करने के बाद आई थी। और इन दोनों को हम फिर मर्ज कर देंगे क्योंकि इन दोनों का काम पूरा हो गया। एक और डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे, डुप्लीकेट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसमें ग्लोइंग इफेक्ट ला सके, और ग्लोइंग इफेक्ट को भी हम ओपेसिटी कम कर सकते हैं ताकि बहुत ज्यादा हॉट ना लगे, थोड़ा सा स्किन के साथ ही मिल जाए इसको। तो इस तरीके से हम एक ही कमांड को अलग अलग तरीके से प्ले कर सकते हैं। मैंने एक और टॉपिक बना, इनको मर्ज कर देंगे फिर हम, जब हमें लगेगा कि टास्क कंप्लीट हो गया। अब हम देखना चाहते हैं ओरिजिनल इमेज कैसी थी और ये वाली कैसी है, तो
उसका मैं सेव कर लिया, एक कॉपी बना के रख लिया, इसको ऑफ कर दिया और इसका हाफ पोर्शन रिमूव करके दिखाऊंगा मैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी चेंजेस में क्या क्या फर्क है। रिमूव कैसे करना है, सिलेक्ट कर तो इस टाइप से हम कोई भी इमेज को क्लियर कर सकते हैं। और फोटो एडिट में जाके, फोटोग्राफ में जाके किसी भी फोटो को एडिट करना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए मैंने कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए हैं। अगर मेरे ख्याल में आपने नोट किए भी होंगे, मैं इसका छोटा सा ट्यूटोरियल वीडियो का आपको व्हाट्सएप पे भिजवा भी दूंगा और मेरे ये ना मेरे यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे भी जाएगा, तो वहाँ पे भी आप